मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों में प्रत्याशियों के नामांकन की वापसी का आखिरी दिन है। उम्मीद है कि आज ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जा सकता है। चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। पहले चरण की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को की जाएगी। निकाय चुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। मेयर पार्षद के कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। टिकट कटने से नाराज पूर्व कांग्रेस पार्षद लोगों के बीच जाकर बैठक कर रहे हैं। भोपाल के कई बागी कांग्रेसी मेयर पार्षद के लिए मैदान में डटे हुए हैं। पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं का अब निर्दलीय उतरने की ज्यादा संभावना बन रही है। नाराज नेताओं की बैठकों को वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन फॉर्म वापसी का आज अंतिम दिन है। लिहाजा राजनीतिक दलों में रूठों को मनाने की कवायद जारी है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी ने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को दी, जिसके बाद विवेक तनखा ने हर एक नाराज कार्यकर्ता से खुद चर्चा की। महापौर प्रत्याशी के लिए बनाए गए कार्यालय में सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा है और बंद कमरे में विवेक तनखा ने हर एक कांग्रेस प्रत्याशी से बातचीत की कोशिश की, जिसके बाद काफी सारे प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लेने का फैसला लिया है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का कहना है कि पार्षद टिकट वितरण के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर थी, लेकिन सभी नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया गया है। सभी प्रत्याशी अपना काम उठाने के लिए चले गए हैं। मैंने हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत चर्चा की। रूठे को मनाने में हम 100% सफल हुए। आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं मुझसे मिलने। मैं एक एक कर से सबसे बात कर रहा हूँ और अभी तक कम से कम 20-25-30 पता नहीं कितनों से बात कर चुका हूँ। सब लोग यहाँ से अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए चले गए हैं। 100% सक्सेस, क्योंकि सब चाहते हैं कि जबलपुर में कांग्रेस जीते, जबलपुर में कांग्रेस का मेयर आए। एक हमारे पास एक बहुत सज्जन पुरुष है, जगत सिंह अन्नू, एक भला आदमी, और इसलिए सब एक मतें वापस लेने चले गए हैं। मुझे एक व्यक्ति ने भी नहीं बोला कि मैं लड़ूंगा। माननीय तनखा जी ने जितने भी लोग, हमने टाक्कर गए, हम वार्ड से फॉर्म भरा था, पूरे लड़ने के मूड में थे, क्योंकि पार्टी में हैं हम तो पार्टी से लड़ने का अधिकार हमारे नेताओं से हमारा है। लेकिन माननीय तनखा जी के आदेश पर अभी हम यहाँ से जाके अपना फॉर्म उठाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात है जबलपुर शहर संस्कार धानी के लिए कि हमको जगत बहादुर जैसे अन्नू जैसे एक प्रत्याशी को माननीय तनखा जी ने दिया, उनको हम तन मन धन से लगकर इस जबलपुर शहर संस्कार धानी से जिताएंगे।